आगरा लूटकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर किया है। बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष कुमार ढेर हो गए हैं। लूटकांड के तीन बदमाश अभी भी फरार हैं, तलाश लगातार जारी है। दो बदमाश ढेर हो गए हैं। बदमाशों के पास से लूटा हुआ आधा सोना जो है वो बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें 17 किलो सोना और 5 लाख कैश की लूट हुई थी और इनमें से दो बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी लूटपाट का यह मामला जिसमें तीन बदमाश फरार हैं, तलाश लगातार जारी है। दो बदमाश ढेर कर दिए गए हैं, यह खबर आ रही है। आगरा का यह पूरा मामला है। आगरा में गोल्ड लोन कंपनी लूटने वालों का एनकाउंटर था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, कैसे यहां पर बदमाश आते हैं, लूटते हैं और लूटपाट के बाद यहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद तत्परता दिखाई जाती है आगरा पुलिस की तरफ से और यहां पर अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो बदमाश जो हैं वो मारे गए हैं और इसके अलावा तीन बदमाश जो हैं वो अभी भी फरार हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्ड कंपनी से लूटा हुआ सोना जो है वो बरामद किया गया है। 17 किलो सोना, 5 लाख रुपए लूटे थे और ये बताया जा रहा है कि दो बदमाशों को ढेर भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, लोन कंपनी, गोल्ड लोन कंपनी ये थी जहां पर दिन दहाड़े लूट हुई थी। कई तरह के सवाल जो थे वो आगरा पुलिस को लेकर खड़े हुए थे, लेकिन सवाल खड़े हुए तो आगरा पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और तत्परता का असर यह है कि दो बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया है। तीन बदमाश जो हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। आगरा के खंदौली चौराहे के पास ये मुठभेड़ हुई और तीन बदमाशों की तलाश जारी है। दो तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर 17 किलो सोने की लूट हुई जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के जरिए। दो बदमाशों का एनकाउंटर जो है वो कर दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम पर आईजी नवीन अरोड़ा का क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है, लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है जिसपे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि दो से तीन बदमाश अभी शेष हैं, अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोजाबाद का है ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके एकम्प्लिस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके। प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्वेलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, इन सब पे काम करेंगे और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे और रिकवरीज करेंगे। तो ये पूरा बयान हमने आपको सुनवाया। मनीष यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे आगरा पुलिस को, उसका अब यहां पर जवाब जो है वो कार के जरिए दिया गया है। दो बदमाश ढेर कर दिए गए हैं, क्या अधिक जानकारी आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आगरा पुलिस जुटी हुई है अभी, चूंकि दो से तीन बदमाश फरार हैं तो उनकी जो सीसीटीवी के जरिए जो पहचान हुई है उसके आधार पर उनकी तलाश भी की जा रही है। चूंकि अभी जो रकम है वो भी आधी बरामद हुई है इन दोनों बदमाशों से जो एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। पूरा जो मामला है वो कमला नगर के सेंट्रल बैंक स्थित रोड का है, जहां पर उस शाखा में, मणिपुरम लोन की शाखा में करीब 20 मिनट तक ये बदमाश लूटपाट करते रहे। तमंचे की बल पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बहुत कम समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दो बदमाश ढेर कर दिए गए और बाकी तीन की तलाश के लिए आगरा के आसपास के इलाकों में भी, जो फिरोजाबाद है, एटा है, वहां की पुलिस भी सक्रिय है और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। इन बदमाशों को लेकर जानकारी कैसे सामने आई, क्या लीड मिला जिसके आधार पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या दावा किया जा रहा है, कब तक इन बदमाशों को ढेर या फिर पकड़ लिया जाता है? आगे जो शुभांकर जो शाखा के कर्मचारी थे, उनके कर्मचारियों से पूछताछ और जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर पुलिस को इनपुट मिला था। गिरोह को ट्रेस कर लिया गया है, गिरोह के बाकी सदस्य कौन कौन है। हालांकि दो से तीन बदमाशों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या 6 भी हो सकती है। तो उसी आधार पर पुलिस जुटी हुई है और बहुत जल्द पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द हम बाकी बदमाशों तक भी पहुंच होंगे और जो लूटपाट हुई है वो माल भी बरामद जी। मनीष, ये भी बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद का ये गैंग था जिसने लूटपाट को अंजाम दिया यहाँ पर, तो कितने घंटे का वक्त लगा इस घटना के बाद और इस कार्रवाई के बीच में? देखिए, 1 बजे की घटना है, लगभग 4 से 5 घंटे के बीच पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
पूरा होमवर्क करने के बाद उन बदमाशों तक पहुंची। थाना एतमादपुर की खंदौली इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में दो बदमाश मार गिराए गए हैं। हालांकि अभी जो फरार बदमाश हैं, जो दो से तीन जिनकी संख्या बताई जा रही है, जो आईजी नवीन अरोना है उनका कहना है कि बहुत जल्द तक उन तक भी हम लोग पहुंचेंगे और जो लूटपाट हुई है वो सामान भी बरामद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी बात यही कि दोपहर में 1 बजे घटना होती है और उसके बाद त्वरित कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।